हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, कोरोना पर पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, 10 बांग्लादेशियों सहित 12 के सैंपल भेजे गए हैं और ये लगातार यहां कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, यानी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 लोगों के सैंपल दोबारा से मांगे गए हैं और यहां लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। 12 में से 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और सभी को 14 दिन तक क्वारंटीन किया गया है, अलग थलग करने की बात की जा रही है, उनको क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना पर पलवल से ये अभी तक की बड़ी खबर, 10 बांग्लादेशियों सहित 12 के सैंपल भेजे गए हैं और साथ ही साथ 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, यानी कि जब ये जांच हुई तो उसमें कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है। लोगों के सैंपल दोबारा से मांगे गए हैं। भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हैं। भगत, क्या और जानकारी है अभी इस मामले में? यहाँ पर जो दिल्ली में जो कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद जो मुसपुरी गांव से जो तबलीगी जमात के लोग हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, उनको जो जिनमें बांग्लादेशी 10 बांग्लादेशी और 2 ट्रांसलेटर उनके थे, 12 आदमी थे, इनको जिला स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल भिजवाए थे और उनमें 3 लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। बाकी जो इनसे संबंधित लोग हैं, बताया जा रहा है कि करीब 100-150 से ज्यादा लोग हैं, उनको भी राउंड अप स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और उनको भी अपना आइसोलेशन में लेकर उनकी भी जांच करवाई जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर जो कि पहले एक कोरोना पॉजिटिव केस था वो ठीक हो गया था, लेकिन अब दोबारा से 3 लोगों की पुष्टि हो जाने से पलवल के लिए ये एक बुरी खबर है कि 3 कोरोना पॉजिटिव केस दोबारा मिले। भगत, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये दिल्ली से कनेक्शन है, दिल्ली के मरकज से? जी बिल्कुल, वहां से ये लोग यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर आकर के ये गांव भोजपुरी में जो इनकी जमात यहाँ पर चल रही है, जिसमें 12 लोग थे, जिसमें 10 बांग्लादेशी हैं और 2 लोग उनके ट्रांसलेटर थे, जिनमें एक असम से और दूसरा एक और बताया जा रहा है। 12 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ लाकर पलवल सिविल अस्पताल में आइसोलेशन में रखा था। भगत, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली के मरकज से लोग अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं, जो पलवल की जानकारी आप दे रहे हैं, तो क्या ये लोग खुद ही सामने आए थे या फिर प्रशासन की टीम वहां तक पहुंची है, उनको ढूंढ निकाला है? जी, इनको प्रशासन ने ढूंढा है, ये लोग जब पता लगा है कि वहां से जैसे ही परसों दिल्ली में ये मामला वहां निकल के आया, तो उसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है कि कहां कहां ये लोग पहुंचे और तब पता लगने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को राउंड अप कर यहां से लेकर के और तब अस्पताल में रखा। और कहीं पर ऐसा तलाशी अभियान या फिर ऐसी प्रशासन की टीम कहां कहां और देख रही है, कौन कौन सी जगह उनको लग रही हैं ऐसी जहां पर वो हो सकते हैं ऐसे लोग? होटल में भी इस मामले की अभी लेकिन उनकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10-12 लोग होटल में भी इस तरह हैं जो वहां से आए हैं और उनको भी जो बाहर से बताए जा रहे हैं उनको भी प्रशासन खोज रहे हैं, जिसमें से 1-2 लोग अभी बाहर हैं, बताया जा रहा है कि वो अभी पुलिस के उसमें नहीं आए, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के, लेकिन 10 लोग वहां भी अभी उन्होंने हाल ही में अभी अभी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि वहां भी 10 लोगों को इस तरह से लिया और उनको भी जांच के लिए उनके सैंपल जल्दी लेकर के उन्हें भी जांच के लिए भेजे गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भगत सिंह, और आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले पर, क्योंकि दिल्ली के मरकज से जो लगातार लोग दूसरे राज्यों तक पहुंचे हैं वो हरियाणा तक भी पहुंचे हैं। हरियाणा के किन किन हिस्सों में पहुंचे वो हम अपने सभी दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये पलवल से खबर है और पलवल के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लगातार यहां से ऐसे जब मामले सामने आ रहे हैं और अलग अलग मस्जिदों से और ऐसे ही जो मरकज चल रहे हैं, तो उन जगहों से जो लोग निकल रहे हैं वो ज्यादातर उसमें संदेह पाया जा रहा है, विदेशी उसमें लोग देखने को मिल रहे हैं और कुछ उसमें से लोग को